हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम अनिरुद्ध कुमार मौर्य। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों को क्या बताने वाले हैं, आज आप लोगों को क्लास 8th में चैप्टर 2 चल रहा था, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 के जो 4 क्वेश्चन हो चुके थे इसके पहले हमारे वीडियोज़ में आपको मिल जाएंगे, 1, 2, 3, 4 टू क्वेश्चन के वीडियोज़ हैं, इसलिए आपको ऐसे मिल जाएंगे पिछले वाली वीडियो में। आज आप लोगों को हम बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर जो 5 होगा वो कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरीके से है, आइए उसको समझने का प्रयास करते हैं आप लोगों के साथ में, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे क्या लिखा हुआ, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3, यानी दो नंबर का क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है। क्या दे रखा, दो नंबर का रेशियो दे रखा 5:3। इफ़ दे डिफरेंस, यदि उन दोनों का क्या है, डिफरेंस बाई 18, उन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है, 18। तो व्हाट आर द नंबर्स, तो वो नंबर्स क्या होंगी, व्हाट आर द नंबर्स, तो वो नंबर्स क्या होंगी। तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्यूशन मान लेते हैं कि लेट द नंबर्स, लेट द नंबर्स विल बी 5x एंड 3x, यानी वो जो नंबर होंगी, लेट द नंबर्स विल बी 5x एंड 3x, वो दोनों नंबर्स क्या होंगी, या तो 5x होगी या क्या होगी, 3x होगी, दोनों नंबर्स में से कोई ना कोई नंबर हो सकती है, ठीक। अकॉर्डिंग टू क्या करेंगे, क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे मान लेते हैं डिफरेंस की बात किया उसने, तो डिफरेंस का मतलब क्या होगा, बड़ी वाली नंबर से छोटे वाली नंबर ही माइनस करेंगे, तो एक्स तो दोनों में कॉमन है, सेम है, तो यहाँ पे नंबर्स को देख लेंगे, तो ये 5 इधर 3, तो ये 5 यानी क्या हो जाएगा, 5x से कितना माइनस करेंगे, 3x, जिन दोनों का, दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है, डिफर बाई 18, तो उन दोनों का जो डिफरेंस दे रखा है वो 18 दे रखा है, इट्स क्लियर। अब हम क्या करते हैं, 5x से 3x जाएगा तो कितना बचेगा, 5x से 3x जाएगा तो बचेगा 2x, 2x इज इक्वल टू 18। अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 अपॉन 2, ये मल्टीप्लाई में 2 था, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, ठीक, 2 1 2 2 9 18, तो x की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। और जब x की वैल्यू पता चल गई तो क्या हम दूसरे नंबर्स नहीं निकाल सकते, जो दोनों नंबर्स थे, जिन नंबरों को हमने अलग अलग माना था, तो क्या वो नंबर हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, डेफिनेटली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फर्स्ट नंबर या सेकेंड नंबर या व्हाट द नंबर से अलग अलग नंबर्स थे, तो मान लीजिए फर्स्ट नंबर निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, फर्स्ट नंबर, तो जो पहला नंबर था उसका जो रेशियो कितना था, 5x, या वो पहली नंबर कितनी थी, 5x, तो 5 और x की वैल्यू क्या पता चल गई, 9, तो इधर से 9 से क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 5 9 जा कितना हो जाएगा, 45, ठीक। एंड सेकेंड नंबर की बात करें, दूसरी नंबर जो थी, तो सेकेंड नंबर, अब सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, तो सेकेंड नंबर इज इक्वल टू उसका कितना दे रखा था, 3x, तो 3 × 9, 3 9 जा 27, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, दोनों नंबर्स आ गए, एक पहला नंबर जो होगा 45 होगा और जो दूसरा नंबर होगा वो कितना होगा, 27 होगा, ठीक, इट्स क्लियर नाउ। आगे की तरफ